नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो सीमेंट होती है, उस सीमेंट का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, सीमेंट की सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी और सीमेंट है वो किस प्रकार बनाई जाती है, कहाँ कहाँ काम में ली जाती है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, इन सभी बातों के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संभव है कि इस बार जो रिट भर्ती हो रही है उसके अंदर इसमें से प्रश्न पूछा जाए। 2015 वाली रिट के अंदर इसमें से जो सीमेंट के अवयव है उनका प्रतिशत पूछा गया था, उनका क्रम पूछा गया था कि कौन कौन सा अवयव है वो कितने प्रतिशत भाग लेता है बनाने के अंदर। मित्रों, जो सीमेंट होती है उस सीमेंट का जो निर्माण है या सबसे पहले खोज की गई थी वो की गई थी जोसेफ एस्पिडन नामक के वैज्ञानिक के द्वारा। हम उसे वैज्ञानिक ही कह सकते हैं, जोसेफ एस्पिडन नामक व्यक्ति के द्वारा या वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1824 में, और ये खोज है वो ब्रिटेन में की गई थी। यानी कि इसका जो निर्माण है सबसे पहले वो जोसेफ एस्पिडन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। मित्रों, इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटेन है वहां पर एक टापू है, उस टापू के ऊपर चूना पत्थर है, उस चूना पत्थर से ये मिलती जुलती हुई होती है, इसलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं जो सीमेंट होती है उस सीमेंट का जो निर्माण है वो कौन कौन से रासायनिक अवयवों के द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, जो सीमेंट है उसका निर्माण जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसे इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, उसके आधिक्य में इसमें सिलिका मिलाई जाती है, SiO2 जिसका सूत्र होता है रासायनिक, और जैसे हम बोल सकते हैं उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और उसी प्रकार है इसके अंदर आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है जिसे हम Al2O3 के नाम से पुकारते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हैं उसे, और इसके साथ साथ उसमें आयरन ऑक्साइड भी मिलाया जाता है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है इसमें आधिक्य किसका होता है बिना बुझे हुए चूने का, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आधिक्य यानी कि इसकी मात्रा अधिक होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, इसके साथ साथ इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना है जिसे हम Al2O3 कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है, और सिलिका SiO2 तथा आयरन ऑक्साइड, ये सभी चीजें इसके अंदर मिलाई जाती है बनाते समय। मित्रों, हम अब आगे बात करते हैं जो सीमेंट होती है उसके रासायनिक संघटन में जो रासायनिक अवयव होते हैं उनकी प्रतिशतता की, भाई सीमेंट बनाते समय कौन कौन सा अवयव है वो कितने प्रतिशत काम में लिया जाता है, और यही वो जगह है जहाँ से प्रश्न है वो निकल कर बाहर आता है। रिट 2015 में यही से क्वेश्चन बना था, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, तो जो बिना बुझा हुआ चूना होता है तो इस चूने की मात्रा है वो सबसे, बिना बुझे हुए चूने की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है सीमेंट बनाते समय, इसकी जो मात्रा है लगभग 50 से 60% तक काम में ली जाती है, सबसे अधिक मात्रा में यही चाहिए। हम नॉर्मल रूप से कहते हैं भाई जो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर चाहिए, तो चूना पत्थर तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, परंतु कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्ट रूप से इसमें काम में नहीं लिया जाता, उस चूना पत्थर को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और बिना बुझा हुआ चूने की जो मात्रा इसके अंदर काम में ली जाती है वो होती है आपके 50 से 60% तक। इसके बाद आपके जो दूसरे नंबर का बड़ा अवयव इसका जो भाग बनाता है वो है सिलिका SiO2, जिसे हम सिलिकन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, तो ये 20 से 25% तक सीमेंट का भाग बनाता है। कितने प्रतिशत बनाता है? 20 से 25% तक सीमेंट का भाग बनाता है। 3 नंबर जो अभी निकल कर आता है, हमें 4 तो याद रखना ही है, 3 नंबर जो अभी निकल कर आता है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3, तो इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 5 से 10%। इसके बाद में आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड है,
आयरन ऑक्साइड है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो गैस होती है ये भी काम में दिए जाते हैं। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा इसके अंदर काम में ली जाती है, वो है आपके 2 से 3%। और जो आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3, वो 1 से 2% काम में लिया जाता है। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड है ये भी 1 से 2% काम में ली जाती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीमेंट बनाते समय जो ये इसकी गुणवत्ता किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो सिलिका SiO2 और Al2O3 इनका जो अनुपात होता है, सिलिका SiO2 और एल्यूमिना Al2O3 इनका जो अनुपात होता है वो 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए, तभी वो अच्छी गुणवत्ता की सीमेंट मानी जाती है। कितना होना चाहिए, किसका होना चाहिए, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, सिलिका SiO2 और Al2O3 एल्यूमिना इनका जो अनुपात है वो 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए, तभी वो सीमेंट है वो अच्छी गुणवत्ता की सीमेंट मानी जाती है। अब हम मित्रों आगे बात करते हैं सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में, आपको अगर क्वेश्चन पूछे भाई कच्चे माल के रूप में सीमेंट बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तब आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड या CaO या बिना बुझावट चूना, तीनों एक चीज है। तो कच्चे माल के रूप में जो चिकनी मिट्टी होती है और बिना बुझावट चूना है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, काम में लिया जाता है। जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसके बनने के पश्चात तो उसके घटक है वो कौन कौन से होते हैं और वो कितने प्रतिशत तक होते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर सबसे पहले घटक होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर होता है आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और फिर होता है आपके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये तीन आपको याद रखने हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये आपको ध्यान रखने हैं। इनके सूत्र है वो पास में आपके शो हो रहे हैं, ये ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, रासायनिक सिमटन में बनने के बाद में क्या होती है, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सॉरी ट्राई कैल्शियम ये सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये आपको ध्यान रखना, ये सीमेंट बनने के पश्चात में ये अवयव होते हैं। एक तक कि हम ये भी सुनते हैं कि सीमेंट बनाते समय जिप्सम जो मिलाई जाती है उसका क्या फायदा है। जिप्सम जो होती है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2, कैल्शियम सल्फेट, ये क्यों मिलाई जाती है जिप्सम बनाते समय, सॉरी सीमेंट बनाते समय जिप्सम क्यों मिलाई जाती है। तो जब जिप्सम मिलाई जाती है इसका फायदा क्या होगा, जो सीमेंट है वो धीरे धीरे जमती है, जमने का जो समय है वो बढ़ जाता है, सीमेंट के जमने का समय बढ़ जाता है, धीरे धीरे जमती है ताकि वो पूरी तरीके से ठोस हो सके। तो इसके लिए जो प्रतिशतता होती है वो 2 से 8% तक होती है। ध्यान रखना जिप्सम क्यों मिलाई जाती है सीमेंट के अंदर, ताकि वो धीरे धीरे जमे, जमे का समय है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। टाइम अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो अच्छी तरीके से क्या होगी, ठोस हो जाएगी, सीमेंट काफी कठोर हो जाएगी, इसलिए जिप्सम को मिलाया जाता है सीमेंट बनाते समय। अब हम आगे बात करते हैं कि आपने नाम सुना होगा RCC, तो RCC का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड सीमेंट। इधर शो हो रहा होगा नाम है पूरा, रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड सीमेंट है, ये RCC की फुल फॉर्म होती है। तो जैसे आजकल जो गांव के अंदर खुदे वगैरह बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है RCC की, तो वही RCC उसका पूरा नाम होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड सीमेंट, ये आपको याद रखना है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड सीमेंट। इसके अलावा आपको कुछ भाई सीमेंट में क्या होता है, तो आपको बताना है कैल्शियम सिलिकेट होते हैं और कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं। क्या क्या होते हैं, कैल्शियम सिलिकेट होते हैं और कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं, यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक चीज निकल कर आती है कि
जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने चुना कि जिप्सम की मात्रा मिलाने से जो समय है वो बढ़ जाता है, जमने का, सीमेंट सीमेंट के जमने का समय वो बढ़ जाता है, यानी कि वो देरी से जमती है ताकि वो अधिक से अधिक ठोस हो सके। तो ऐसी क्या चीज मिलाई जाती है सीमेंट बनाते समय कि उसे जल्दी जम जाती है सीमेंट? तो जल्दी जमाने के लिए सीमेंट को Al2O3, जो एल्यूमिना होता है, उसकी मात्रा अधिक रखी जाती है। जो एल्यूमिना होता है Al2O3, उसकी मात्रा अधिक रखने से सीमेंट है वो जल्दी जम जाती है, ये ध्यान रखोगे। अभी एक आपके सामने प्रश्न कभी आए कि खंगर क्या होता है, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है उसे खंगर कहा जाता है। किसको? कैल्शियम एल्यूमिनेट को क्या कहा जाता है? खंगर कहा जाता है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कलय क्या होता है, कलय किसे कहा जाता है? तो कलय कहते हैं जो SiO2 है, सिलिकन ऑक्साइड या सिलिका, तथा जो एल्यूमिना Al2O3, इसका जो मिश्रण होता है उसे कलय कहा जाता है। इसके मिश्रण को, सिलिका और एल्यूमिना तो होता है, इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? कलय कहा जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के कुछ ग्रेड है वो भी आपको याद रखने, 33, 43 और 53, 100 हो रहेंगे यहाँ पर पास में आपके। तो याद रखना ग्रेड कौन कौन से, 33, 43 और आपका 53, ये पोर्टलैंड सीमेंट के क्या होते हैं? ग्रेड होते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि सीमेंट बनाते समय अगर आप जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम बोलते हैं बिना बुझावा चूना, अगर उसकी मात्रा अधिक रख देते हो, सामान्य रेंज होती है इसकी 50 से 60%, पहले बता चुका हूँ, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है इससे, तो निर्माण कार्य होने के बाद में जो भवन वगैरह है उनकी दीवारों के अंदर दरारें आ जाती है। इसके अलावा जो सीमेंट होती है उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए उसकी अगर कीमत को कम करना चाहिए, गुणवत्ता वही रखनी है, उसकी कीमत को क्या करना है? कम करना है। तो इसके लिए उसके अंदर फलाई ऐश नाम का पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फलाई ऐश नाम का पदार्थ मिलाया जाता है। तो ये सीमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। शायद इससे कोई भी प्रश्न है बाहर, अगर सीमेंट सीमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो जो मैंने जानकारी बताई इससे बाहर नहीं जाएगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।